السلام عليكم، بابا داري شو؟ ग्रेट। हमने मैस्लो की थ्योरी डिस्कस कर ली थी, हमने हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी डिस्कस कर दी थी और हमने मैकक्लेलैंड को डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर रूम की जो थ्योरी है विच इज़ द ओनली प्रोसेस थ्योरी बीइंग डिस्कस्ड ओवर हेयर। ये वाहिद प्रोसेस थ्योरी है जो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। And then we will discuss the reward system and motivation. हम reward system और motivation पर debate करेंगे। Rewards क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, कैसे design किए जाते हैं, rewards कैसे एक motivational phenomena लेके आते हैं एक इदारे के अंदर। So that is going to be our debate of today's class. Victor Room जो है ये वाहिद process theory है जो discuss की जा रही है यहाँ पे। विक्टर रूम ने एक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्रेजेंट की थी 1964 में। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेसिकली मेजर करती है स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को, जो हमने बात की थी कंटेंट थ्योरीज के अंदर, कि कंटेंट थ्योरीज की एक लिमिटेशन है कि वो स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन मेजर नहीं करती। दिस वाज टॉक्ड अबाउट इन द लिमिटेशंस ऑफ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये कंटेंट थ्योरीज आर अनएबल टू एक्सप्लेन the strength of motivation like how we can determine that logon ki motivation kitni hai, ye cheez measure nahi ki jati. To process theories jo hain ye allow karti hain aapko ki aap strength of motivation ko measure kar sake. To Victor Room kehte hai ki jo hamara behavior hota hai ye hamari conscious choices ka result hota hai, and we are consciously aware that what we have to choose and what we नीड नॉट टू चूज, और ये चीज़ अलाइंड होती है हमारे पर्सनल गोल्स के साथ, और वो हमारी नीड्स जिनको हम सेटिस्फाई करना चाह रहे होते हैं उन गोल्स को पूरा करने के लिए। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आप रिवॉर्ड सिस्टम को डिफाइन कर रहे होते हैं, जब आप रिवॉर्ड सिस्टम्स को डिवेलप कर रहे होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स क्या हैं, और उन पर्सनल गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपके रिवॉर्ड्स हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं भी या नहीं है। इसी तो वी कैन बी मोटिवेटेड टू वर्क इफ वी बिलीव। अब यहाँ पे हम इस फिनोमेना को डिफाइन करते हैं, और ये फिनोमेना जो है ये चार फैक्टर्स की बेस पे है। एफर्ट, मेहनत, एफर्ट लीड टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लीड टू रिवॉर्ड, एंड रिवॉर्ड लीड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। ये तीन किस्म के रिलेशनशिप्स हैं, ये पहला रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, और ये तीसरा रिलेशन। एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि द बिलीफ दैट योर एफर्ट विल लीड टू अ डिजायर्ड रिवॉर्ड। आपका ये मानना कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये आपकी एक्सपेक्टेंसी होती है। ठीक, दैट इज योर एक्सपेक्टेंसी। तो एक्सपेक्टेंसी जो है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है आपकी मोटिवेशन को। अब वो रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये उसकी वैलेंस होती है, दैट इज नोन एज वैलेंस। तो बेसिकली वी हैव लाइक थ्री रिलेशनशिप्स इन दिस होल सिनेरियो। हमारे पास तीन किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। पहला जो रिलेशन है दैट इज नोन एज एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी। एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन एक्सपेक्टेंसी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया था पहले ऊपर। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि मेहनत करेंगे तो परफॉर्म करेंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सो बेसिकली ये जो थ्योरी है इसमें तीन किस्म के रिलेशनशिप्स हैं, चार फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर एफर्ट परफॉर्मेंस, ये दो फैक्टर्स हैं एफर्ट और परफॉर्मेंस, और इनका क्या रिलेशन है इसे कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि दैट इफ यू विल पुट इन मोर एफर्ट यू विल बी एबल टू अचीव मोर। मेरी आवाज़ कम आ रही है, सबको कम आ रही है,
Is that so? Can you hear me loud and proper? या सबके साथ आवाज का इशू है? आप फिर अपना थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ा लें स्पीकर का बेटा. ओके, सो एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन कराता है एक्सपेक्टेंसी. आपको आपके वालिद साहब ने कहा है कि जी चार पेपर या तीन पेपर्स पढ़ रहे हो, तीनों में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेके आओ तो गाड़ी दे दूंगा. तीनों में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, क्वाइट चैलेंजिंग टास्क, ठीक है, मुश्किल काम है. चलो अगर ये कह दें कि किसी एक में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले आओ तो ज्यादा ज्यादा चांसेस हैं, है ना. एफ जितनी मर्जी मेहनत कर लें, तीन सब्जेक्ट्स में एक अटेम्प्ट में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ जाएगा. डू यू थिंक कि ये अभी तक आया कि आपकी हिस्ट्री में कभी हुआ है? नहीं हुआ ना, एज सच. तो चांसेस आर वेरी लो, होने को हो सकता है लेकिन चांसेस आर वेरी लो. तो आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो निल हो जाएगी. यू विल बिलीव कि मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ पास तो मैं सब में हो जाऊंगा, लेकिन सब में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मुश्किल है. एक्सपेक्टेंसी डिटरमिन्स दैट दैट द पर्सन बिलीव, एक इंसान का ये मानना, उसका ये बिलीफ रखना कि मेरी एफर्ट मेरी परफॉर्मेंस को डिफाइन करेगी. मेहनत करूंगा तो ये काम कर जाऊंगा. नहीं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. हाँ चलें, मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें. मेहनत करूंगा तो मेरा मेरिट जो है, मतलब मेरा जो मेरिट है वो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है. इफ आई विल वर्क हार्ड तो मैं मेरिट पे आ जाऊंगा, ये एक्सपेक्टेंसी है. मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, मुझे पता है कि अमीर बंदे ने सीट ले ही लेनी है, मेरा तो उसमें कोई कंसर्न नहीं होना, मेरा तो उसमें मेरिट नहीं आना. मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, इट मीन्स के एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन जो है वो निल है. एफर्ट परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप होता है दैट डिटरमिन्स के टू व्हाट एक्सटेंट यू बिलीव दैट व्हेन यू विल गिव इन मोर एफर्ट यू विल परफॉर्म, ठीक है, यू विल परफॉर्म, आप परफॉर्म करेंगे. अच्छा, दूसरा जो रिलेशन है वो होता है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशन. मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा जो भी प्रॉमिस किया गया, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी. मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटैलिटी. वाले साहब ने पिछले साल भी प्रॉमिस किया था कि तीन पेपर पास करो तो तुम्हें बाइक ले दूंगा. बाइक तो लेके नहीं, किसी गाड़ी पता नहीं कहाँ से आ जाएगी. इट मीन्स इंस्ट्रूमेंटैलिटी निल है. हाँ एग्जैक्टली. तो फिर हार्ड वर्कर्स की मोटिवेशन यहीं पे खत्म हो जाती है. एग्जैक्टली, हार्ड वर्क की जो मोटिवेशन है वो यहीं पे फिर खत्म हो जाती है कि उन्हें पता है कि मेहनत कर भी लेंगे तो स्टिल दे वोंट बी सिलेक्टेड, तो वो फिर मेहनत ही नहीं करेंगे. एक्सपेक्टेंसी निल हो गई. मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, मींस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो सिलेक्ट होना है लेट से, तो फिर वो मेहनत ज्यादा करेंगे, ठीक है. तो यस, एक्सपेक्टेंसी इज दैट वट एवर गोल यू हैव सेट, वट एवर गोल यू हैव सेट, वो क्या गोल पूरा होता है आपको एफर्ट से. अगर ये रिलेशनशिप इंटैक्ट है, अगर ये रिलेशनशिप जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो इट मींस कि आप मेहनत करेंगे और आप उस टास्क को अचीव कर जाएंगे. दैट वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल. परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, मेहनत करेंगे तो परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा. ये है इंस्ट्रूमेंटैलिटी. ये रिलेशन भी अगर खराब हुआ या वीक हुआ तो मोटिवेशन जीरो हो जाएगी. पिछले साल भी मेहनत की थी, बॉस ने वादा किया था कि बोनस 2 सैलरी कितना बोनस देगा, दिया तो कोई नहीं था, तो इस साल क्यों मेहनत करूं. इट मीन्स इंस्ट्रूमेंटैलिटी ना होने की वजह से आपकी मोटिवेशन जीरो हो गई है एंड यू आर नॉट विलिंग टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज यू बिलीव कि परफॉर्म कर भी जाऊंगा तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. और तीसरा रिलेशनशिप है रिवॉर्ड नीड सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप. वो जो रिवॉर्ड आपको प्रॉमिस किया गया है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो रिवॉर्ड आपसे प्रॉमिस किया गया है वो रिवॉर्ड कितना जरूरी है आपके लिए, रिवॉर्ड सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप. आपके पास माशाल्लाह और घर में 4 गाड़ियां हैं, आप रोज नई गाड़ी बदल के कॉलेज जाते हैं, तो अगर वाले साहब ने नई गाड़ी देने का प्रॉमिस कर भी दिया तो डजंट अफेक्ट यू, डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू यू ऑलरेडी हैव सो मेनी कार्स. आप बेचारे बसों में धक्के खा के और मेट्रो में सफर करके जाते हैं, तो आपके लिए गाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो इट मीन्स का रिवॉर्ड अगर नीड को सेटिस्फाई करेगा तो वैलेंस होगी, वैलेंस होगी तो मोटिवेशन होगी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है तो ये तीनों रिलेशनशिप्स इंटैक्ट होने चाहिए.
इन तीनों में से अगर एक रिलेशनशिप भी इंटैक्ट नहीं होगा तो मोटिवेशन निल हो जाएगी। अगर इन तीनों में से एक रिलेशन भी मिसिंग होगा तो मोटिवेशन जो है जीरो पे आ जाएगी। सो इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉई वी हैव टू मेक श्योर कि एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है जिसे एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है जिसे इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहते हैं, और रिवॉर्ड नीड सेटिस्फेक्शन रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम वेलेंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स हैं ये दो किस्म के हैं। रिवॉर्ड्स दो किस्म के होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉय किस रिवॉर्ड से मोटिवेट होता है, उसके लिए फिर आप वैसा ही रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप करते हैं। इसी तो रिवॉर्ड्स दो किस्म के होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स पे बोनस सो ऑन, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ये प्रमोशन। यहाँ पे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड में लिखा हुआ है बेसिकली प्रमोशन भी आपका एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। प्रमोशन हमारा एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है। सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रिकग्निशन, किसी की कमर पर थपकी देना, ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। तो मोटिवेशन टू अपटेन रिवॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन तमाम थेरीज का, ठीक है ना। तो विक्टर रूम कहता है कि तीन फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को डिटरमिन करते हैं। डिस्कस हम तीन फैक्टर करते हैं, फॉर्मूला हमारा दो फैक्टर्स पे बेस करते हैं। इंस्ट्रूमेंटैलिटी हम फॉर्मूला में नहीं लेके आते, हम उसे स्किप कर देते हैं। तो वेलेंस कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल डिजायर और द इंडिविजुअल नीड फॉर द रिवॉर्ड। एक इंसान को रिवॉर्ड कितना अशद चाहिए, उसको कितनी ज़रूरत है उस रिवॉर्ड की। एक्सपेक्टेंसी द स्ट्रेंथ ऑफ द बिलीव दैट पुटिंग इन मोर एफर्ट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ये बिलीव रखना, ये मानना कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप परफॉर्म करेंगे। और इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज द बिलीव दैट व्हेन यू विल परफॉर्म, व्हेन यू विल अचीव अ परफॉर्मेंस टारगेट, रिवॉर्ड विल बी गिवन, रिवॉर्ड मिलेगा आपको। सो तीन रिलेशनशिप है इस डायग्राम में देखें। पहला रिलेशन है एफर्ट परफॉर्मेंस, ये रिलेशन कहलाता है एक्सपेक्टेंसी। सेकेंड रिलेशन इज परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, ये कहलाता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। और तीसरा रिलेशन है रिवॉर्ड सेटिस्फेक्शन, ये कहलाता है वेलेंस। All of these three relationships must be intact so that you can motivate the people. इस थ्योरी का क्रक्स ये है कि तीनों relationships intact होने चाहिए, तीनों relationships exist करने चाहिए तो आप employees को motivate करेंगे। अगर इन तीनों relationships में से एक भी relationship missing होगा तो motivation नहीं होगी। If any of the relationship will be missing, there will be no motivation. ठीक है? Simplified version में, आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि expectancy is defined as the belief of the individual that by putting in more effort, he or she will get the desired reward. ठीक है? तो expectancy को हमने basically instrumentality के साथ count कर लिया। हम अगर इस मॉडल को सिंपलीफाई कर लें तो हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेंसी से क्या मुराद है कि मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट होगी ना, परफॉर्मेंस करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमने बीच में से एफर्ट परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के रिलेशन को हमने कन्वर्ज कर दिया आपस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनरल रूल्स आर ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड एंड दे आर ऑलवेज अप्लाइड टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। जनरल रूल्स जो हैं वो हर एक के लिए जो है वो कॉमन है, हर एक के लिए उनकी एप्लीकेशन जो है वो इक्वल है। जनरल रूल्स की एप्लीकेशन है दैट इज वेरी मच कॉमन फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बनाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन इज इक्वल टू वेलेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेंसी, और ये प्रोडक्ट है। इन दोनों में से अगर एक फैक्टर भी या उसकी अगर आप समझ लें कोई जो वैल्यू है वो जीरो होगी या कम होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो मोटिवेशन है उसको निल कर देगा, दैट विल बी कम्प्लीटली यू नो फिनिश्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन तीनों के अंदर आपकी जो वेलेंस में और एक्सपेक्टेंसी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, द वैल्यू शुड नॉट बी नेगेटिव और जीरो सो टू से, ठीक है। पेपर में इस थ्योरी के अंदर दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक दफा ये सवाल आ चुका है कि इन तीनों को एक्सप्लेन करना था, मतलब दो पार्ट से, पहले पार्ट में इन तीनों को एक्सप्लेन करना था 3 मार्क्स, और दूसरे पार्ट में इसकी इम्प्लीकेशंस बतानी थी मैनेजर्स के लिए। तो बेसिकली दो पार्ट से इस थ्योरी के 7 नंबर का सवाल था। पहले पार्ट में तीनों हेडिंग्स को डिस्क्राइब करने को कहा गया था, और दूसरे पार्ट में इसकी इम्प्लीकेशंस पूछी गई थी कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और हाउ डज दिस थ्योरी वर्क। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के लिए फिर अगेन वही चीज़ें कि
हमें तीनों के तीनों रिलेशनशिप्स को इंटैक्ट रखना होता है। अगर आप किसी एक रिलेशन को भी स्किप करेंगे तो मोटिवेशन नहीं हो। तो मोटिवेशन जो है वो वैलेंस पे डिपेंड करती है, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड। तो मैनेजर शुड देयरफॉर फाइंड आउट व्हाट देयर एम्प्लॉइज डू वांट, उनके एम्प्लॉइज को क्या चाहिए, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स को ये पता लगाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है जब आप उसे कैश रिवॉर्ड देते हैं, और एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है जब आप उसे फैमिली टूर पर भेज देते हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है जब आप उसे कंपनी मेंटेन्ड कार दे देते हैं, और एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है जब आप उसे कैश दे देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय की मोटिवेशन क्या है, या किन फैक्टर्स से आपका एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा है। फिर मोटिवेशन एक्सपेक्टेंसी पे भी डिपेंड करती है। कुछ लोगों में ये बिलीव ही नहीं होता कि दे आर हाई अचीवर्स, या वो मेहनत करें तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैनेजर्स को उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करनी होती है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है, उनकी ट्रेनिंग करनी होती है। इधर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ ट्रेनिंग कैन बी अ रीजन इन विच यू बिलीव कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, इसी तो दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो इस केस में फिर जो आपकी मोटिवेशन है बहुत लो हो जाएगी। तो मैनेजमेंट मस्ट कंसिडर वेज टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। और ये कैसे करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, ये कैसे करेंगे, आपकी डेवलपमेंट करेंगे, आपको वो तमाम रिसोर्सेज देंगे जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो सुपरविजन से, प्रॉपर गाइडेंस से, इफेक्टिव जो आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है, उन तमाम फैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये रियलाइज़ करवा सकें कि बेटा अगर आप मेहनत करेंगे तो परफॉर्मेंस आएगी। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटैलिटी का फिनोमेना है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि अगर आपने कोई रिवॉर्ड प्रॉमिस किया है तो यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस एंड यू हैव टू गिव द रिवॉर्ड एज वेल। डिस्टॉर्शन हो रही है पीछे से, मेरा ख्याल है शायद वो बाहर कोई किसी ने कोई गाने शाने लगाए हुए हैं। आई डोंट नो, बड़ा आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही है, अब बेहतर है? आई डोंट नो, ये एक सेकंड, वैसे नेट का कनेक्शन क्लियर है, मतलब बेहतर, इज इट बेटर नाउ? ओके। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो है ये डिटरमिन करती है कि रिवॉर्ड से आपकी परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लेके आएगी। तो मैनेजर्स को अपने एंड पे ये होल्ड करना है फिर कि दे हैव टू कीप देयर प्रॉमिसेस एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर रिवॉर्ड्स दे आर प्रॉमिसिंग टू देयर एम्प्लॉई दे शुड गिव टू देम। ठीक है, जो भी वो रिवॉर्ड्स प्रॉमिस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉई से, वो उनको वो प्रॉमिस रिवॉर्ड्स जो हैं वो उनको डिलीवर भी करें। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। इस थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। एग्जैक्टली, वेन यू आर टू हैप्पी, वो कहते हैं ना कि खुशी में कभी वादा और गुस्से में कभी फैसला नहीं करना चाहिए। वेन यू आर हैप्पी नेवर प्रॉमिस, वेन यू आर इन एंगर नेवर मेक अ डिसीजन। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसके अंदर कॉन्सेप्ट। तो दिस इज ये टेनर, तो ये हमारी चार थेरीज हैं जो कि कंटेंट और प्रोसेस थेरीज की अम्ब्रेला को कवर करती हैं। वी हैव दीज फोर थेरीज विच कवर द कंटेंट एंड प्रोसेस थेरी। हाँ, ये बाहर कोई म्यूजिक वगैरह लगा हुआ है, आई डोंट नो किस चीज़ की खुशी है लोगों को आज, बट दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। सॉन्ग भी बड़ा अच्छा लगा है। Thank God, it stopped. Okay, जी, so ये हमारी चार थेरीज हैं, and that is something which we have just talked about, content theories and process theory. इसके बाद है reward system and motivation. ये question paper में आ चुका है, not in BMBs, in PCBs. PCBs में 10 नंबर का सवाल आया था एक ज़माने में, extrinsic और intrinsic rewards को list down करना था। अरे खाली शायद BMBs में भी आ चुका है, हम जब जाएंगे past paper को review करेंगे, BMBs में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन के ऊपर। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं, दे आर द रिवॉर्ड विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल। आपके कंट्रोल में नहीं होते, कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल बोनस है, इंक्रीमेंट्स हैं, कंपनी मेंटेन कार है, आपकी कोई एम्प्लॉई शेयर ऑप्शन हैं, कोई गिफ्ट है, पेंशन बेनिफिट्स हैं, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस हैं,
कंपनी अवार्ड है, सब्सिडाइज लोन्स हैं, ये सारे के सारे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर द एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स. एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली आउटसाइड द बिजनेस, मतलब आप समझ लें कि जो करंट प्रोसेस है आपके जॉब का उससे हटके दिए जाते हैं आपको. इसके बरक्स इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स की भी एक लंबी लिस्ट है. ये खुद एक इंसान अपने आप को देता है, ये आप खुद कंट्रोल करते हैं. इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स आर कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ. सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रिकग्निशन, स्टेटस ऑफ द जॉब, प्राइड इन वर्क, पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन डूइंग अ टास्क, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर इंडिविजुअल इंजॉय. तो विक्टर रूम और हैंडी के मुताबिक जो स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन है ये पार्टली डिपेंड करती है कि एक इंसान किस किस्म के रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड है. अभी हमने ऊपर एफर्ट, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप देखा है, उसमें जो नेचर ऑफ रिवॉर्ड है ये भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. पर्सन टू पर्सन ये जो रिवॉर्ड है ये वेरी करती है. सो दीज आर द की फैक्टर्स जो कि रिवॉर्ड सिस्टम में पाए जाते हैं. इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, और दोनों किस्म के जो रिवॉर्ड हैं वो परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है पेपर में. चांसेस आर वेरी ब्राइट कि इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आएगा. व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ, इस क्वेश्चन में आप गौर करेंगे तो सारी थियोरीज की उसने समरी प्रेजेंट की है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स मस्ट गेट द बेसिक राइट्स फर्स्ट. ये हमने पढ़ा था मैस्लो की थियोरी में भी कि आपको पहले उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना होता है. जब तक आप उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं करेंगे ऊपर वाली नीड्स से आप मोटिवेट नहीं कर सकेंगे. इसी तरह पहले आपने हाइजीन फैक्टर्स को इन प्लेस करना होता है. जब तक आप हाइजीन फैक्टर्स को इन प्लेस नहीं करेंगे आप उसके ऊपर नहीं मूव करेंगे. हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि मोटिवेटर फैक्टर्स कंपनी को यूज़ करने चाहिए, मैनेजर्स को यूज़ करने चाहिए. जैसे उसने जॉब एनरिचमेंट की बात की थी, मैनेजर्स मस्ट एनरिच देयर जॉब्स ऑफ द एम्प्लॉइज. इसी तरह एडम्स की हमने थ्योरी तो नहीं पढ़ी, एडम की एक थ्योरी है रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर हमने खा. अगर हमने रिवॉर्ड्स के नाम तो डिस्कस कर लिए हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं. तो एडम्स के मुताबिक रिवॉर्ड सिस्टम होने चाहिए अप्रोप्रिएटली डिजाइंड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों को यूज़ करना चाहिए ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें. पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को मैकग्रेगर ने डिस्कस किया था, रिमेंबर मैकग्रेगर थ्योरी एक थ्योरी वाई. थ्योरी वाई के लोगों के लिए हमें पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में लेके आना होता है. मैकक्लेलन के मुताबिक नीड फॉर अचीवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द इंडिविजुअल, जिसको डेवलप करना पड़ता है मोटिवेट करने के लिए. इसी तरह विक्टर रूम के मुताबिक स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट के वो मेहनत करेगा तो परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा और रिवॉर्ड उसकी नीड को पूरा करेगा. ये कॉन्सेप्ट विक्टर रूम की थ्योरी से आ रहा है. आप देखें हर बुलेट पॉइंट एक थ्योरी को एड्रेस कर रहा है. एवरी बुलेट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट अ सर्टन थ्योरी. तो ये बेसिकली एक कम्प्लीट अमलगमेट है, एक मिक्सचर है, एक कम्प्लीट उसके अंदर आपने कन्वर्ज किया हुआ है इन तमाम फैक्टर्स को, जिससे आप क्या करते हैं मोटिवेशनल फिनोमेना जो है उसको. तो मैनेजर्स जो है वो डिफरेंट थेरीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना वर्क प्लेस के ऊपर. मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज डिफरेंट थेरीज एट द वर्क प्लेस, और वो तमाम की तमाम जो थेरीज हैं उनको हम एक वक्त में मल्टीपल वेज में यूज कर रहे होते हैं ताकि हम नीड फॉर अचीवमेंट आगे वापस. चलो मैकक्लेलन की थेरी है, देखें आप माशाल्लाह इसको मेरे सामने कोई 10-11 लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे सीए कर रहे हैं. आप में से हर किसी का सीए करने का पर्पस मुख्तलिफ है, हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप में से कोई इंडिविजुअल सीए इसलिए कर रहा है बिकॉज ही वांट अ स्टेटस इन लाइफ, वो चाहता है कि वो एक सीएफओ हो किसी कंपनी का, नीचे उसके बीसीओ सबऑर्डिनेट्स हों, कंपनी मेंटेन्ड ऑडी उसके पास हो. That might be a key driving force for you to complete your chartered accountancy. That means आप motivate हो रहे हैं need for power से. You are being motivated by need for power.
आप में से कुछ लोग इसलिए सीए कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली में कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, और उन्हें पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो हो जाएंगे तो उनकी फैमिली में कितनी रिप्यूट बेहतर हो जाएगी। फुफो और खालाएं और मामू सब उनके अब्बा जी से मिलेंगे कि अब तो बेटे ने सीए भी कर लिया है तो चलो रिश्ता पक्का करते हैं। जी दैट इज, हाँ, डिमांड बढ़ जाती है फैमिली में। एग्जैक्टली, दैट इज नीड फॉर एफिलिएशन। अब आपकी जो नीड मोटिवेट हो रही है वो आपकी नीड फॉर एफिलिएशन है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सीए की तरफ आए हैं बिकॉज दे एक्चुअली वॉन्ट टू चैलेंज देमसेल्फ, दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ, दे हैव सेट चैलेंजिंग गोल्स फॉर देमसेल्फ। उनकी नीड फॉर अचीवमेंट काम कर रही है। सो बेसिकली नीड फॉर अचीवमेंट जो है दैट इज द नीड इन विच यू सीक अचीवमेंट, यू सेट चैलेंजिंग गोल्स फॉर योर सेल्फ। आपको फीडबैक चाहिए, फीडबैक से आप परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको मोटिवेट करती है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट की बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी थी, जिस दिन आपका रिजल्ट डे होता है उस दिन सुबह सुबह एक SMS आता है आपको। उस SMS में आपके सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं और उसके आगे पास 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 लिखा होता है। वो तीनों या चारों अगर पास लिखे हो, वो मैसेज पढ़ के जो एक फीलिंग पैदा होती है ना, उस फीलिंग को कहते हैं सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। किस किस ने वो फीलिंग एक्सपीरियंस की है अभी तक? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट फीलिंग, वो जो एक अपना सीना फखर से फूल जाता है ना। एग्जैक्टली, शाबाश। देखा, इसे कहते हैं सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ठीक है, तो ये नीड फॉर अचीवमेंट वालों में पाई जाती है। जी जी कर लिया था, अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना ऊपर ये अब्बास ने कि जस्ट टू रिपीट इट, तो इसलिए रिपीट किया बेटा। सो दैट इज हाउ वी अचीव दिस। ओके, तो ये बेसिकली मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इन सारी थियोरीज का यूज करे, इन सारी थियोरीज को अप्रोप्रिएटली डिजाइन करे, डिवाइस करे, ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मोटिवेट कर सकें। सो ऑल ऑफ दीज थियरीज नीड टू बी वर्कड आउट वेरी प्रिसाइजली एंड वेरी केयरफुली। ओके, आगे आ जाए रिवॉर्ड सिस्टम पे। अब जरा डिफाइन करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम और मोटिवेशन का लिंक क्या होता है आपस में, रिवॉर्ड्स की कैटेगरीज क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली दो ब्रॉड किस्म के एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स पाए जाते हैं। एक आपकी पे, आपकी रेम्यूनरेशन, ये आपका मेन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है, और दूसरा की एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड आपकी प्रमोशन और आपकी एडवांसमेंट। सो मेनली दो ब्रॉड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स पाए जाते हैं दोनों में, पे रेम्यूनरेशन, प्रमोशन और एडवांसमेंट। पे में फिर बहुत कुछ आ जाता है, बोनसेस आ जाते हैं, कमीशन आ जाते हैं, प्रीमियम पे आ जाती है, वर्किंग ओवर टाइम, पेंशन राइट्स, बहुत सारे फैक्टर्स फिर आपके पे और प्रमोशन वगैरह में आ जाते हैं। इसके बरक्स कुछ इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स भी होते हैं। पहले हम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स को रिव्यू करेंगे, फिर हम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स को जंप करेंगे। इट इज़ जनरली एग्रीड कि सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल्स को उनकी सैलरी के मुताबिक सेटिस्फाई रखना होता है। अभी हमने बात की थी सैलरी एक हाइजीन फैक्टर है, तो डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द पे विल अफेक्ट योर एटीट्यूड एंड योर बिहेवियर एंड अल्टीमेटली विल यू नो लेसन योर मोटिवेशन। हाउएवर जब आप पे इंसेंटिव दें भी तो इट्स नॉट एन अश्योरिटी के मोटिवेशन आएगी। जैसे हमने पढ़ा था प्रिवेंटिंग डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ क्रिएटिंग सेटिस्फैक्शन। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी पे आए जरा, तो हमने इसमें पढ़ा था कि अगर आप डिससेटिस्फेक्शन को ही, इफ इफ यू आर एम्प्लॉयज फील दैट दे आर पेड वेल एनफ, तो दैट विल ओनली प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग डिससेटिस्फाइड। हाउएवर सेटिस्फाइंग द हाइजीन फैक्टर्स ओनली प्रिवेंट सेटिस्फेक्शन, इट डज नॉट क्रिएट सेटिस्फेक्शन। आप जो हाइजीन फैक्टर्स को इनप्लेस करते हैं तो ये सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन को एलिमिनेट करता है, सेटिस्फेक्शन को क्रिएट नहीं करता। एंड दैट इज द सेम पॉइंट बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर। ठीक है ना, तो मैकलिलैंड जो है वो कहता है कि पे रिवॉर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। पे रिवॉर्ड्स जो हैं ये नीड फॉर अचीवमेंट वालों के लिए एक फीडबैक होता है, दे टेल देम कि उनकी परफॉर्मेंस मैयर कैसी है, दे कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इसी तरह इफ इफ द पीपल आर गेटिंग पेड मोर फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो इट मीन्स के वो अपने इंपॉर्टेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं और मेहनत करेंगे। प्रोसेस थियरीज का ज्यादा फोकस जो है वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के ऊपर है। प्रोसेस थियरीज फोकस मोर ऑन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एज कम्पेयर टू एनी अदर थियरी, क्योंकि प्रोसेस थियरीज के अंदर रिवॉर्ड्स की इंस्ट्रूमेंटेलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक द रिवॉर्ड्स इंस्ट्रूमेंटल। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल रिवॉर्ड्स नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज।
सी, तो अक्सर इदारे फिर ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप रिवॉर्डिंग भी करते हैं, कलेक्टिव मोटिवेशन होती है टीम की, ग्रुप रिवॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जॉब को एनरिच करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ उनको रिवॉर्ड देना भी ज़रूरी है। परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड जो हैं ये मेनली एक्सट्रिंसिक होते हैं, मेनली एक्सट्रिंसिक होते हैं, कैश बोनस या इंसेंटिव की शक्ल में होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड्स अभी तक आया नहीं है, बड़े वसी चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किया जाए। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड्स जो हैं दे आर गिवन इन टू वेज, ईदर वी गिव कैश बोनस और वी कैन गिव इंसेंटिव। कैश बोनस हम देते हैं मीटिंग शॉर्ट टर्म टारगेट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स की रिप्रेजेंटेटिव ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट मीट किया, जैसे आप सेल कमीशन देते हैं। कैश बोनसेस जो हैं शॉर्ट टर्म होते हैं और नॉर्मली ये टारगेट ड्रिवन होते हैं, टारगेट होगा तो आप ये देंगे। इसके बरक्स इंसेंटिव हैं जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स की अचीवमेंट भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक एम्प्लॉई ने कंपनी में 2 साल का टेन्योर पूरा किया और उसकी बेस पर से आपने कंपनी शेयर ऑप्शन दे दी या स्टॉक ऑप्शन दे दी, तो कंपनी शेयर ऑप्शन या कंपनी स्टॉक ऑप्शन जो हैं वो आपकी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आप इंसेंटिव जो हैं उनको यूज़ करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दीज फैक्टर्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। एग्जैक्टली, द हार्डर यू विल वर्क, तो आपको पता है ना कि आपकी कंपनी में शेयर्स भी हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा और इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आ जाती है। एग्जैक्टली, आप ओनरशिप फील करते हैं कंपनी के अंदर। इसके 2 फायदे होते हैं, है तो ये एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, लेकिन ये एक बार दफ़ा इंट्रिंसिक ट्रिगरिंग भी कर देता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे को यूज़ करना बड़ा क्रिटिकल होता है, ये आसान नहीं होता, इट्स डिफिकल्ट टू यूज़ परफॉर्मेंस रिलेटेड पेस, क्योंकि नॉर्मली अक्सर हमें लगता है कि हम अगर एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव ऑफर नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। आप एक जॉब को इतना एनरिच कर देते हैं, आगे जाकर पढ़ते हैं इंट्रेंसिक रिवॉर्ड के अंदर, आप उनको परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड दिए बगैर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। इसी प्रमोशन एंड रिकग्निशन में आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, आप रिवॉर्ड दिए बगैर उनकी एफर्ट्स को आप रिकग्नाइज करें, उन्हें पहचान दें, तो पीपल विल बी मोटिवेटेड, ठीक है। हाउएवर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर हु कैन बी रिवॉर्डेड विद प्रमोशन, ऑब्वियसली आप हर किसी को तो प्रमोट ही नहीं कर सकते, यू कॉन्ट प्रमोट एवरीबडी, तो आप एक महदूद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही इस पर्टिकुलर वे में मोटिवेट कर सकते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, सबको नहीं कर सकते। तो स्मॉल बिजनेसिस के अंदर यू कॉन्ट प्रमोट एवरीबडी, आप हर एक को प्रमोट नहीं कर सकते। तो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच पीपल कैन बी मोटिवेटेड, पीपल कैन बी मेड टू वर्क हार्डर एट द वर्क प्लेस, और उनकी मेहनत जो है वो फिर उसे अच्छा। परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज इंडिविजुअल्स की 2 शक्ल में होती है, कैश बोनस होते हैं, इंसेंटिव होते हैं। इसी तरह परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज ग्रुप्स के लिए भी होती है। अच्छा, ग्रुप को अगर आप कलेक्टिवली पे करते हैं, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। वेन यू पे अ ग्रुप इन अ कलेक्टिव वे, इसका फायदा तो ये है कि ग्रुप कोहियन बढ़ती है, ग्रुप आइडेंटिटी मजबूत होती है, पीपल विल आइडेंटिफाई देमसेल्व पार्ट ऑफ अ टीम एंड नॉट एज एन इंडिविजुअल एंड दे विल वर्क टू अर्न द कलेक्टिव बेनिफिट। लेकिन प्रॉब्लम भी है, अगर एक ग्रुप में किसी बंदे ने कम काम किया है, किसी बंदे ने ज़्यादा काम किया है, तो फिर अगर आप इक्वल रिवॉर्ड सबको दे रहे हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। इसी ही विल बिलीव कि शेयरिंग ऑफ द बोनस इज अनफेयर, कि मैंने तो मैंने ज़्यादा की थी। तो फिर अक्सर इदारे क्या करते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में देखा होगा ना आपने, जब कोई टीम मैच जीतती है तो पूरी क्रिकेट टीम को एक अलग रिवॉर्ड मिलता है, और उसके अलावा इंडिविजुअल एफर्ट्स पे रिवॉर्ड्स होते हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ठीक, इस तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं, बेस्ट विकेट टेकर। तो अक्सर इदारे फिर दोनों को मर्ज भी कर देते हैं, ग्रुप को भी रिवॉर्ड करते हैं, इंडिविजुअल को भी रिवॉर्ड करते हैं। और फिर होते हैं कंपनी वाइड बोनसेस, आप पूरी कंपनी में बोनस अनाउंस करते हैं। कंपनी वाइड बोनसेस में फिर परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर जो उस कंपनी का एम्प्लॉई है, चाहे उसने मेहनत की है चाहे नहीं की है, उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा।
एग्जाम्पल 2007 में यूके स्टोर शॉप है ना, मार्क्स एंड स्पेंसर, उन्होंने 91 मिलियन पाउंड्स का बोनस अनाउंस किया कंपनी के लिए जो कि उसके एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डेट्स अ ह्यूज अमाउंट, 91 मिलियन US, 91 मिलियन पाउंड्स। ठीक, अब ये चीज़ जो है ये एम्प्लॉयज़ को प्रजर्वेट करती है, उनकी रिटेंशन को इम्प्रूव करती है, कंपनी के साथ उनका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसे मजबूत करती है। इससे भी मोटिवेशन आती है, इससे भी एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट हो। ऑल राइट, लेट्स कीप इट अप टिल हियर फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह बोनस और परफॉर्मेंस और कल फीडबैक पे जाएंगे, कल मॉडर्न थियरीज पे जंप करेंगे। टारगेट यही है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीक में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे। वी विल बी एबल टू कंक्लूड दिस चैप्टर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है, आज जी मैं ये बताने लगा था, वो टेस्ट एक पार्ट ए का टेस्ट आज अपलोड होगा, कल छुट्टी आ गई, परसों आई कुडंट सेंड, तो आज शाम तक इंशाल्लाह अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, बाय टुडे इवनिंग आई विल बी अपलोडिंग दैट। चलो, बाकी कोई कोई कंसर्न हो, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे मुझे डिस्कस कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट फ्राइडे को अनाउंस किया, फ्राइडे को होगा, परसों स्टार्ट रिवाइजिंग इट, परसों होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, सी यू अराउंड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।